हेलो गाइस, तो आप सभी का मेरे ब्लॉग चैनल में स्वागत है। तो गाइस, आज के ब्लॉग में आपको क्या देखना पसंद है, आज क्या देखना चाहोगे आप ये बता दीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन आप लोग को बहुत अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा मैं आज। 101 अच्छी चीज़ें तो मैं ये बताता हूँ कि मेरी जो गाड़ी है, तीन महीने के बाद अब मेरे पास हैं। बीच में 3 महीने पहले क्रेश हो चुकी थी, तो अब जाके मेरी गाड़ी ठीक हो गई है। उसके जो भी पार्ट्स डैमेज हुए थे तो वो सब आ गए हैं। आने में बहुत टाइम लगा है, समथिंग महीना भर लग चुका था आने में, क्योंकि 3 महीने पहले हुआ था जो भी क्रेश हुआ था। बट मैंने क्या है, उसे 2 महीने के बाद उसे शोरूम में शिफ्ट करवाया, तब जाके वहाँ 1 महीने के बाद वह ठीक हुआ है। तो मैं फाइनली बहुत खुश हूँ, मेरी गाड़ी भी बन के आ चुकी है। तो आपको मैं गाड़ी दिखाना चाहता हूँ, और साथ ही मैं एक प्रसिद्ध मंदिर ले जाना चाहता हूँ। तो आप वीडियो में बने रहना, आपको दिखाते हैं वह मंदिर कौन सा है। और एक अच्छी बात है, आज ज़्यादा धूप भी नहीं है तो बढ़िया रहेगा, घूमने का मज़ा रहेगा थोड़ा सा। क्या है, धूप धूप में यार घूम नहीं पाते ना। तो चलो आपको दिखाता हूँ मैं मेरी गाड़ी कैसी है, उसकी कंडीशन कैसी है। और सो गाइस, तो आपको मैं अपनी गाड़ी दिखाता हूँ। ओके, देखिए आप देख रहे हो मेरी धन्नो को, यहाँ खड़ी है बेचारी धूप कंडीशन है। ये 2 इंडिकेटर नहीं लगी है, किसी ने अभी शादी में गया था तो किसी ने यहाँ के इंडिकेटर तोड़ डाला, होते रहता है शादी में, तो क्या बताया। तो आप देख सकते हो ये चीज़ लगवाया हूँ मैंने, कैसे लग रही है, बढ़िया। साथ ही आप आपके आगे का लुक देख सकते हो आप, ये देखिए। इसमें आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये क्रेश होने के टाइम में यहाँ के जो मिरर है, मिरर टूट गया था, इस साइड का मिरर टूटा था, फूट गया था, उसको जो भी आईना वैना है वो फूट गया था, और इधर का क्या बचा था। लेकिन मैंने सोचा आप, ये एक तरफ का टूट गया था, दोनों निकाल दिया मैंने, और ये फाइबर फूट गया था ये। और अभी भी देख सकते हो यहाँ पे क्रेस है, ये क्रेस है, और इसमें है अभी थोड़े बहुत काम है, और इसको कब बनवाना है यार। तो गाइस, ये है मेरी धन्नो, प्यारी धन्नो। तो फाइनली गाइस, आपको मैंने गाड़ी दिखा दी। गाड़ी ठीक है, लेकिन उसमें थोड़े थोड़े पार्ट्स अभी हैं, उसमें लगाए नहीं है, उसके पार्ट्स बचे हैं अभी कुछ कुछ। पीछे के इंडिकेटर दोनों टूटे हैं, तो वो लगाना है, अच्छा नहीं लग रहा है वैसे। और साथ ही है उसमें थोड़े बहुत काम है अभी, समथिंग उसमें 2-1 हज़ार का खर्चा है अभी, तो करते हैं उसको तो आराम से। अभी तो चल रही है, बढ़िया चल रही है। तो साथ ही मैं बताना चाहता हूँ, मेरे जो भैया हैं उन्होंने मुझे कॉल किया था मंदिर चलने के लिए, तो मैं उनका घर दिखाना चाहता हूँ, और वो अभी इस वक्त क्या कर रहे हैं वो भी बताना चाहता हूँ। तो मैं फाइनली गाइस, तो मैं उन्हीं के घर में जा रहा हूँ, तो आप वीडियो में बने रहो, तो मैं आपको बताता हूँ उसका घर कहाँ है और वो क्या कर रहे हैं। ओके, लेट्स गो। सो गाइस, ये गाड़ी निकल चुकी है, तो हम भैया के घर पहुंच चुके हैं। ये सामने वाला जो घर दिख रहा है वही है भैया का घर, तो आप देखते हैं भैया क्या कर रहे हैं घर के। दिस इज़ पुदीना, आप जानते हो पुदीना पुदीना पुदीना। इससे मैं गाड़ी को यहाँ खड़ी कर दिया, तो भैया के घर पे जाते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं भैया। तो गाइस, देखते हैं हमारे भैया क्या कर रहे हैं। तो गाइस, भैया के घर पहुंच चुके हैं, जल्दी आ भाई। तो देख रहे हो हमारे ये चड्डे में क्या कर रहे हैं भाई साहब ये क्या हो रहा है, देखो ये चल रहा है भैया का चड्डे दिन भर से अबे गिल्लू मार। तो आज कहीं चलने का प्लान था ना, मंदिर जाने का प्लान था सर, तो
चल रहे ना अभी अभी मैं सोच रहा हूँ जीत रहे हैं मैच तो अभी जीतते तक खेला जा हॉरिक में हॉरिक हॉरिक पहुंचना हॉरिक 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 फ्री फायर हाँ और रे हॉरिक में सर देखो ना गेम प्ले तो गाइस मैं भैया से मिलाना चाहता था। देखो जरा चड्डे में बिल्कुल पहलवान गिरी कर रहे हो दादा गिरी। गाइस आई एम शैलेंद्र। तो आप देख सकते हो ये भैया का बेडरूम है बिल्कुल यहाँ पे दबा के लगे रहते हैं फ्री फायर खेलते रहते हैं छोटे से एयरफोन के साथ। एयरफोन दिखाओ एयरफोन ओके चार्जर ये चार्जर देखिए इनका यहाँ से बस इतना कितने मीटर तो है ही नहीं यार सेंटीमीटर है ओनली 15 सेंटीमीटर का है बस। हमारे भैया का जो खेलने का तरीका देख कर ना क्या मजा आ जाता है। ये हेड शॉट अब भी निकल रहे कितने राउंड बचे हैं। अरे हमारे भैया का चैनल का नाम तो बता दे भाई। अलोन वाइटी थ्री फिंगर हमारे भैया जो है कि उनका चैनल का नाम है अलोन वाइटी। अरे नोबड़े और उनकी तरह गेम यार पता नहीं कोई नहीं खेलता है ऐसा लगता है मुझे। ओ नो आज भैया का ही फास्ट है। तो भैया ने देखिए ये इतने सारे केला खा के क्या बताया यहाँ पे छिलका रख दिया मेरे लिए एक भी केला नहीं बचा। ये लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ इंपॉर्टेंट है इससे क्यों पूछो कि इन लोग अपने चेहरे में लगाएगा ना उसको ना अपने फेस को ना गोरा करते लेकिन पता है हमारे लिए ये महज एक गन पाउडर जो मोबाइल में लगा के हम फ्री फायर खेलते फालतू जो आपने सुन लिया है। हाँ। तो आप अपन चलते हैं आगे है ना। तो अब इसमें गाड़ी में बैठ चुका हूँ हमारी धंधा चालू हो जाएगी अब हम निकल रहे हैं मंदिर की तरफ। नो जे 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 आले ब्लॉग अन कोर को पोरिया को ने देखो करे भी है अच्छा चटाड़ी को ने निगान देखन अच्छा चटाड़ी को ने कभी आजे की निगान है हिंदाड़ी में के आप एक कहता हो कि अच्छा चटाड़ी को है कि सो गाइस मासना का अद्भुत दृश्य मंदिर के सामने देखने को मिलेगा। सो गाइस हम छोटी लमटी पहुंच चुके हैं और यहां से आगे बड़ी लमटी है। तो यार आज का श्रद्धालु आए भाई आज आप देख सकते हो कितनी भीड़ है मंदिर में देख लिए बाइक ही बाइक है कार है क्या बताए क्या क्या ऊपर चढ़ाऊं हाय कर ब्लॉग चल रहा है हाय कर लो हाय ऐसा कौन हाय करता है कौन करता है ये देख रहे हैं बच्चे लोगों को ये नन्हे मुन्ने बच्चे लोग सब मंदिर में दर्शन करने आए क्यों हो गया पूजा तूने काला कर दिया खुद गोरा हो गया गलत बात है भाई चल आजा हमको कुछ सामान दे दे जरा बड़ी लमटी से होके आएंगे हम और मामा जी दे दो जरा प्रसाद बना दो हमको सबसे पहले ना बड़ी लमटी जाएंगे हम बहुत दिनों के बाद पेमेंट कर रहा है क्या ले ले वाला कितना हो गया मौसी 30 रुपीज बड़ी लमटी से। तो गाइस हम बड़ी लमटी पहुंच रहे हैं तो आपको आगे का दृश्य दिखाएंगे किस प्रकार है। तो आप देख सकते हो यहाँ का रोड किस प्रकार है थोड़ी सी दिक्कत क्या काफ़ी दिक्कत आएंगी अच्छे से चल रही है गाड़ी बाकायदा बढ़िया चल रही है आप देख सकते हो। इस जंगल में ओनली फॉर सागुन देखने को मिलेंगे ज़्यादा कुछ है, साथ में महुआ पैसा देता है सागुन लेकिन क्या फॉरेस्ट वाले इसे काटने नहीं देंगे क्या बताएं। तो नहीं पेड़ उनको कोई काटने का नहीं ओके। तो आप आगे देख सकते हो यहाँ का रोड आप देख सकते हो बिल्कुल क्या ही बताएं मैं दड़ हिल रही हैं आप देख सकते हो आवाज़ काहे की आ रही है बिल्कुल। हाँ उधर ही
सो गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पहुंच चुके हैं बड़ी लमटी। ओके हनुमान जी, तो हमारे प्रिय ब्रदर, मेरे बड़े भैया जी उतर चुके हैं, वह आगे जा रहे हैं। इसे कहते हैं बड़ी लमटी। मंदिर छोटी है बट इसे कहते हैं बड़ी लमटी क्योंकि ये बहुत पुरानी प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहाँ पे पॉज करते वीडियो को। आज का लक ये है कि नारियल खराब निकल चुका है। पुराने लोगों का मानना है कि खराब रहता है तो नारियल खराब रहता है तो बहुत अच्छी बात रहती है, शुभ होता है। भगवान प्रसाद चढ़ाने का मतलब ये है, ये बेचारे जो बिन बोले जीव है ना, इनको भोजन मिल जाता है, इन तो खा सकते हैं ना, क्यों है ना सलीम भैया। वह धूप नहीं था, अब धूप आ चुकी है, तो धूप काफ़ी लगने लगे, तो हमने सोचा कि गाड़ी को थोड़े छाँव में खड़ी कर देते हैं। हम तो काले हो जाएंगे। तो गाइस, ये हम दोनों हैं और ये हमारी धन्नो है। ये हमारे धन्नो है, हम धन्नो के साथ उसके पीठ में बैठ के आए हैं। तो आप लोगों को यहाँ के जो भी आउट साइड के नज़ारा दिखाना चाहते हैं तो हम अभी जाते हैं छाँव में क्योंकि धूप बहुत तेज है। तो गाइस चलते हैं। अरे भाई, जियो का तनादा नेटवर्क मिल रहा है। सो गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है, अब क्या बताऊँ, मन कर रहा है कि इग्नोर हम दोनों का फेस। मन कर रहा है कि तीन कॉल किसका आता नहीं, ये बहती हुई पानी में पत्थर ना मारो, डुबकी लगाओ। अच्छा, डुबकी लगा लो, चेंज कर दिया तुमने पूरा लिरिक्स। बहती हुई पानी में डुबकी लगा लूं, ओ मेरे दोस्तो अब तुम ही बताओ इस गर्मी में मैं क्या करूं। चलो भैया, चलो यार आगे। दिस इज फेवरेट सॉन्ग, कौन से, चिट्टा। ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग। दिस सॉन्ग डेडिकेटेड माय एक्स। सो गाइस, हमारे भैया के पुराने नौ का सॉन्ग है, क्या बताएं, डेडिकेटेड माय योर ऑल लव। सारी दुआए घर में सांप गिन ले, सारी दुआए कैसे गलती करी तूने। ओ गाइस, तो आपको नजारा दिखा रहा है, देख सकते हो आप यहाँ का नजारा, क्या मस्त, क्या बेहतर लग रहा है, बिल्कुल पानी ठहरा हुआ है। आते हैं लोग वहाँ नहाने आते हैं और भैया का मन कर रहा है इस कड़कती हुई धूप में यहाँ पे डुबकी लगा लूँ। सो गाइस, तो भैया का मेरा मन तो ये कर रहा है कि मैं यहाँ पे ना बीच में मस्त चार बूटे गाड़ो और उसमें क्या बोलना चाहिए, उसमें ना मस्त एक बिस्तर बनाओ और ऊपर से क्या बोलना चाहिए, घास वाला रहता है ना वो लगा दो, दबा के सो एकदम, क्या बोलना चाहिए यार, क्या बोलना। नहीं मुझे नहीं पता, ये लास्ट एंडिंग गर्मी है ना इसलिए पानी कम हो गया है, पानी कम हो गया, नहीं तो अगर यहाँ ऊपर तक होते ना पानी, क्या मजा ही आ जाता रहता है। पर देखो यहाँ तक रहता है पानी का, यहाँ नहाने में तो बहुत मजा आ जाता है। पानी अभी थोड़ा कम हो चुका है, आप देख सकते हो आगे एक नंबर। तो भैया, मेरा मन कर रहा था यहाँ पर दो चार रील्स बना लेते हैं बढ़िया दबा के,
तो सो गाइस, तो हम अभी रील्स बना रहे हैं, और चाहे तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी में आप देख सकते हो रील्स हमने किस प्रकार बनाए यहाँ पे। गाइस तो हम छोटी बड़ी लम्बी से यहाँ से निकल रहे हैं हम, तो अब चलो और क्या, यहाँ से निकलते हैं। अरे तीन डंडी कैसे बता दिया भाई, पेट्रोल किसने डाल दिया? मजाक कर रहा है, मजाक। अभी एक डंडी था, यहाँ तीन डंडी बता रहा है। जा भाई, अभी धूप आया था, अब दो डंडी बता दिया, क्या हो रहा है ये। सो गाइस, ये देख सकते हो बरगद का पेड़ कितना शानदार लग रहा है। तो गाइस, तो हमारा ब्लॉग और हमारा सफर यहीं तक था, तो कैसे क्या। लाइक करो, दोस्ती बढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। लव यू, तो बाय।